हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इयरिंग हॉल। रिसेंटली मैंने मीशो से इयरिंग परचेस किए थे, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इयरिंग्स है, इस तरह के पैकेजिंग में आया है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पैकेजिंग दिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, कितने खूबसूरत है ये इयरिंग्स। फिश शेप के दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये ऑक्सीडाइज में है और इसका प्राइस 110 रुपये। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इनका प्रोडक्ट कोड होता है, तो उसका कोड ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयरिंग ये मैंने मंगाए हैं, इस तरह के पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत आई है फ्रेंड्स इसकी। एक गोल्ड प्लेटेड ईयरिंग्स है फ्रेंड्स, हम इसे किसी मैक्सी ड्रेस के साथ पेयर अप करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। और इसका प्राइस 70 रुपीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये पड़ा है फ्रेंड्स। और कुछ 49 रुपीज़ इसका शिपिंग चार्जेस था। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट वाला ये है, एक हुप इयररिंग्स है। यहाँ में ये जो बीट्स वर्क बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बीट्स दिए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप अगर इसे स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ पेयर अप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ। प्राइस था 60 रुपीज़ और शिपिंग चार्जेस 49 रुपीज़ था। टोटल मिला के मुझे 110 रुपीज़ में पड़ा है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप इसे डेली यूज़ में भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो लास्ट ईयरिंग है, ये इस तरह के हैं फ्रेंड्स, इस तरह के पैकेजिंग में है। पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी। और जो कि इसका पॉलिश वगैरह नहीं जा सकता, देखिए मैं इसका प्राइस 110 था। ये मेटल में है, ये किसी भी साड़ी के साथ या ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। स्पेशली साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका फ्रेंड्स। सभी इयरिंग्स बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन सा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको पसंद आया होगा तो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं।
स्टे क्रिएटिव, बाय।